1981 में संजय दत्त की पहली मूवी आई जिसका नाम था रॉकी और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। 1982 में इनकी दूसरी मूवी आई जिसका नाम था विधाता और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई जानी आई लव यू और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1983 में इनकी मूवी आई बेकरार और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई मैं आवारा हूँ और ये मूवी फ्लॉप रही। 1984 में इनकी मूवी आई मेरा फैसला और भाई साहब इनका फैसला गलत था तो मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई जमीन आसमान और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। 1985 में इनकी मूवी आई दो दिलों की दास्तान और ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई जान की बाजी और ये मूवी हिट रही। 1986 में इनकी मूवी आई नाम और भाई साहब इस मूवी ने इनका नाम बना दिया और ये मूवी हिट हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई मेरा हक और ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई जीवा और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1987 में इनकी मूवी आई इनाम 10,000 और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1987 में इनकी मूवी आई नामो निशान और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई ईमानदार और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीते हैं शान से और ये मूवी सुपर हिट हो गई। 1988 में इनकी मूवी आई मर्दों वाली बात और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई मोहब्बत के दुश्मन और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई कब्जा और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई खतरों के खिलाड़ी और ये मूवी हिट रही। 1989 में इनकी मूवी आई दो कैदी और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई हथियार और ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इलाका और भाई साहब ये मूवी हिट हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई ताकतवर और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हम भी इंसान हैं और ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई कानून अपना अपना और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1990 में इनकी मूवी आई खतरनाक और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई जहरीले और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तेजा और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई जीने दो और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई क्रोध और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई थानेदार और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1991 में इनकी मूवी आई योद्धा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो गई। मूवी तो बहुत बढ़िया थी। इसी साल इनकी मूवी आई खून का कर्ज और भाई साहब कर्ज नहीं चुका पाए तो मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई फतेह और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दो मतवाले और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई कुर्बानी रंग लाएगी और भाई साहब ये तो मूवी फ्लॉप कर गई। इसी साल इनकी मूवी आई साजन और ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई सड़क और ये मूवी सुपर हिट रही। ये मूवी बहुत बढ़िया थी। 1992 में इनकी मूवी आई अधर्म और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई साहबजादे और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीना मरना तेरे संग और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सरफिरा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई यलगार और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1993 में इनकी मूवी आई क्षत्रिय और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई साइबान और ये मूवी भी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई गुमराह और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई खन्नायक और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी को किस किसने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 1994 में इनकी मूवी आई जमाने से क्या डरना और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई इंसाफ अपने लहू से और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आतिश और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई अमानत और ये मूवी फ्लॉप रही। 1995 में इनकी मूवी आई आंदोलन और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई जय विक्रांता और ये मूवी एवरेज रही। इस मूवी को 2006 में मैंने देखा था। उनकी मूवी आई विजेता और ये मूवी फ्लॉप रही। ये मूवी भी काफी अच्छी थी मगर मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई नमक और ये मूवी डिजास्टर रही। 1997 में इनकी मूवी आई महंता और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई सनम और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दाऊद और ये मूवी फ्लॉप रही। 1998 में इनकी मूवी आई दुश्मन और ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1999 में इनकी मूवी आई दाग द फायर और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई कारतूस और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सफारी और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हसीना
मान जाएगी और ये मूवी हिट रही। 1999 में इनकी मूवी आई वास्तव और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। ये मूवी बहुत बढ़िया थी। इसके बाद इनकी मूवी आई खूबसूरत और ये मूवी एवरेज रही। 2000 में इनकी मूवी आई खौफ और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई बागी और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चल मेरे भाई और ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई जंग और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मिशन कश्मीर और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कुरुक्षेत्र और ये मूवी एवरेज रही। 2001 में इनकी मूवी आई जोड़ी नंबर वन और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पिता और ये मूवी फ्लॉप रही। 2002 में इनकी मूवी आई हम किसी से कम नहीं और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मैंने दिल तुझको दिया और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हथियार और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई अनर्थ और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई कांटे और ये मूवी डिजास्टर रही। 2003 में इनकी मूवी आई एक और एक 11 और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई मुन्ना भाई MBBS और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई LOC कारगिल और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 2004 में इनकी मूवी आई प्लान और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रुद्राक्ष और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई दीवार और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आती है रक्त और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है मुसाफिर और ये मूवी एवरेज रही। 2005 में इनकी मूवी आती है शब्द और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है टैगो चार्ली और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आती है परिणीता और ये मूवी एवरेज से नीचे रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है 10 और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आती है विरुद्ध और ये मूवी एवरेज से नीचे रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है शादी नंबर वन और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है वह लाइफ हो तो ऐसी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो गई। 2006 में इनकी मूवी आती है जिंदा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई तथास्तु और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। मूवी तो एक नंबर थी, इसको हिट होना चाहिए था। इसी साल इनकी मूवी आई एंथनी कौन है और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आती है लगे रहो मुन्ना भाई और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी को किस किस ने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 2007 में इनकी मूवी आती है एकलव्य और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आती है नहले पर दहला और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आती है सरद पार और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है शूट आउट लोखंडवाला और ये मूवी सेमी हिट रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी। इसी साल इनकी मूवी आती है धमाल और भाई साहब इस मूवी ने धमाल नहीं बचाया और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आती है 10 कहानियां और ये मूवी सेमी हिट रहती है। 2008 में इनकी मूवी आती है महबूबा और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई गिडनैप और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई EMI और ये मूवी डिजास्टर रही। 2009 में इनकी मूवी आती है लक। इस मूवी में इनका लक साथ नहीं दिया और ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसके बाद इनकी मूवी आती है ऑल द बेस्ट और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आती है ब्लू और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आती है अलादीन और ये मूवी डिजास्टर रही। 2010 में इनकी मूवी आती है लम्हा और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आती है नॉकआउट और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आती है नो प्रॉब्लम और ये मूवी फ्लॉप रही। 2011 में इनकी मूवी आती है डबल धमाल और भाई साहब इन्होंने कितना भी धमाल मचा लिया हो और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आती है चतुर सिंह 2 स्टार और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है रास्कल और ये मूवी फ्लॉप रही। 2012 में इनकी मूवी आती है अग्निपथ और ये मूवी सुपर हिट रही। इस मूवी को किस किसने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी साल इनकी मूवी आई डिपार्टमेंट और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सन ऑफ सरदार और भाई साहब ये मूवी हिट हो गई। 2013 में इनकी मूवी आई जिला गाजियाबाद और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो गई। गाजियाबाद से कौन कौन वीडियो देख रहा है जल्दी से कमेंट में बताइए। इसी साल इनकी मूवी आई पुलिस गिरी और भाई साहब ये मूवी काफी बढ़िया थी, पता नहीं ये मूवी क्यों फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी मूवी आई जंजीर और ये मूवी एवरेज रही। 2000
2014 में इनकी मूवी आई उंगली और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पीके और भाई साहब ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। अब आप में से काफी लोग कहेंगे पीके मूवी में ये नहीं है, मगर इन्होंने ट्रक ड्राइवर का छोटा सा किरदार निभाया है। 2017 में इनकी मूवी आई भूमि और ये मूवी डिजास्टर रही। 2018 में इनकी मूवी आई साहेब बीबी और गैंगस्टर और ये मूवी फ्लॉप रही। 2019 में इनकी मूवी आई कलंक और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई प्रस्थानम और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पानीपत और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2020 में इनकी मूवी आई सड़क 2 और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई तोरबाज और ये मूवी फ्लॉप रही। 2021 में इनकी मूवी आई भुज और ये मूवी फ्लॉप रही। 2022 में इनकी मूवी आई केजीएफ चैप्टर 2 और भाई साहब ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई तुलसीदास जूनियर और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप हो गई। इसके बाद इनकी मूवी आई सम्राट पृथ्वीराज और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई शमशेरा और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। तो दोस्तों ये था संजय दत्त का फिल्मी करियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए।